हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका इस चैनल पर दोस्तों। और आज हम बात करेंगे सीटेट 2020 को बिना कोचिंग सीटेट कैसे क्लियर करें, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और क्या रणनीति होनी चाहिए इस बार 5 जुलाई को जो हमारा पेपर होने वाला है, उसको हम किस प्रकार क्रैक कर सकते हैं, इसकी सारी रणनीति मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के मेन पॉइंट को दोस्तों। तो आपके सामने है सीटेट 2020 में जितने प्रश्न आते हैं, ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षण के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और गणित के भी 30 प्रश्न आते हैं आपके सामने। भाषा शिक्षण के भी 30 प्रश्न आते हैं। भाषा शिक्षण में दो आते हैं, एक है लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी अनिवार्य है, और उसके बाद आप बाकी जितनी भी भाषाएं बचती हैं जो आपके लिए सुटेबल हो, उसको आप भाषा 2 चूज़ करते हैं। और फिर आगे होता है हमारा पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम EVS कहते हैं, ठीक है, इसके 30 प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए क्या रणनीति रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक सिलेबस जान लेता हूँ। आइए हम बात करते हैं पेपर 2। जो पेपर 2 है उसमें क्या प्रश्न आते हैं, देखिए यहाँ पर भी बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर भी भाषा फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होता है। अब यहाँ पर जो छात्र BSc जो साइंस से होता है, वो विज्ञान और गणित का प्रश्न पत्र करता है, और वो छात्र जो सोशल साइंस से कला वर्ग से हैं, वो सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे क्वालिफाई करें। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सीटेट 2020 5 जुलाई एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, अब जो बात है, मेन मुद्दे की बात है कि CDP कैसे तैयार करें। तो CDP के लिए आप पहले मार्केट जाएं और अपने अनुसार बहुत सारी बुकें लें। आप किसी भी बुक स्टॉल पर जा सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी बुक देखें और आपको किस बुक का लैंग्वेज आपके लिए अच्छा है, वो बुक आप लेके आएँ CDP के लिए। और साथ साथ आप उस बुक को पढ़ें, और उसके बाद जितने भी प्रीव्यू सेट हैं या पिछले सालों के सीटेट के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप CDP में 30 में 30 ला सकते हैं। CDP मतलब कि बाल विकास, किसी भी एक साधारण से जो छोटे से बालक को हमें पहचानना है, उसकी फीलिंग्स को हमें बताना है कि हम उस बालक के साथ कैसे ट्रीट करेंगे, इस चीज़ का ये परीक्षण है। अब हमारे पास इतना तो दिमाग है कि हम एक से लेकर जो 5 क्लास का बच्चा है, उसके सोच स्तर पर हम सोच सकते हैं, इतना तो हमारे पास माइंड है, ठीक है। तो ये आप मार्केट में इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि कौन सी बुक लें, बुक स्टॉल पर जा रहे हों आप, तो बहुत सारी बुकें आपको दिखाई दे रही हैं। आप नेट पे सर्च करें बेस्ट कौन है, लेकिन हम मैं यही कहूँगा कि आप बेस्ट के चक्कर में ना पढ़ें। आप अपने अनुसार कौन सा बुक लें, आपको किस बुक की लैंग्वेज सबसे अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, उस बुक को लें। और मैं अपने चैनल पर भी CDP चलाऊँगा। अभी CDP के जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने चैनल पर भी उस चीज़ को बताऊँगा। तो आप एक तो मार्केट जाएँ CDP के लिए, कोई अच्छी सी बुक जो आपके लैंग्वेज के लिए क्या सुटेबल हो, आप उसकी भाषा को समझ लें, वो बुक लेकर आ जाएँ। तो यहाँ से आप CDP के 30 के 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्लस में आपको पिछले साल का प्रश्न पत्र भी चाहिए, ये मैं चर्चा कर रहा हूँ केवल बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र पेपर फर्स्ट के CDP के लिए। और यही चीज़ आप पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मार्केट से एक अच्छी सी बुक लेकर आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, EVS सेक्शन पर बात करते हैं। देखिए EVS सेक्शन आप, ये इतना आसान है CTET का EVS सेक्शन ना, बहुत ही आसान है। अब आप अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी करने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की जो NCERT बुक है, आपको क्लास 3 से क्लास 5 की NCERT की बुक लेनी है। और EVS का जितना भी सेक्शन है, एक एक चैप्टर करके, आपके पास बहुत समय है, एक एक चैप्टर करके बिना परेशान हुए एक एक चैप्टर करके आप उसे पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न, लगभग 18 प्रश्न तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं,
ठीक है, और जो पैथोलॉजी के प्रश्न हैं वो इनडायरेक्टली इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या करें, आप EBS की तैयारी करने के लिए जाएं, मार्केट में जाएं या नेट पर जाएं, जहां भी जाना हो आप क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ इसको क्या कर लें, बुक को ले लें और अच्छे से पढ़ लें, जितना भी नोट्स है उसे बना लेना। गारंटी कह रहा हूं मैं, आपके EBS में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप EBS सेक्शन को बिल्कुल आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें कि मुझे केवल EBS के लिए और कहीं नहीं जाना है, इधर उधर नहीं भटकना है, मैं केवल NCERT क्लास थर्ड से फिफ्थ तक पेपर फर्स्ट के लिए मैं पढ़नी है। और मैं बात कर रहा हूँ, अब अगला सेक्शन है हमारा हिंदी का। देखिए हिंदी के सेक्शन बहुत ही नॉर्मल है। आपको पहले तो पैराग्राफ आएगा जो आप सिंपली पढ़ के आपको आंसर देना होता है। अब हिंदी के लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं कुछ बताऊंगा, कुछ जो ट्रिक्स हैं हिंदी की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, और जो बाकी चीज़ें बची हैं वो आप पिछले साल के पेपर, किसी भी हिंदी के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको, पिछला साल का जितना भी पेपर है 2011 से लेकर 2019 तक, इस पेपर को आप एकदम डिट्टो एकदम अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लें। एक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको हिंदी में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और इस यही चीज़ है लैंग्वेज टू के लिए भी। दोस्तों लैंग्वेज टू आप इंग्लिश पकड़ लें या लैंग्वेज टू आप संस्कृत पकड़ लें, लगभग हिंदी में लगभग 80% क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं सेट्स में से आपके मिलेंगे, या तो 2011 से लेकर 2019 तक का जो पेपर हुआ है इसी पेपरों में से आपको हिंदी पूछता है। ठीक है, तो हमने तीन चीज़ों पे चर्चा की कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने बोला CDP के लिए आप कोई भी बुक लेके आएँ और पिछले साल का जितना भी पेपर है ना उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लें। अगर आपको CDP के लिए जो एक बुक है, मैं बुक की लिस्ट भी बना दूंगा, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है नाम उसका। ठीक है, और EBS में आपको केवल NCERT पढ़नी है, और हिंदी के लिए केवल प्रीव्यूस जितने भी पिछले साल के पेपर हैं वो करने हैं, लैंग्वेज टू के लिए भी वही करना है। अब बात करते हैं हम मैथ पर। देखिए मैथ एक आसान सा सब्जेक्ट है, अब इसमें बहुत लोगों का मैथ में डाउट होता है कि मैथ के सर सवाल कैसे करें, बहुत टफ हो जाते हैं, या मैथ की जो पैथोलॉजी है वो समझ में नहीं आती है। तो भाइयों आपको क्या करना है ना, क्लास थर्ड से लेकर और क्लास एट तक, ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं NCERT के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्लास थर्ड से फिफ्थ नहीं कह रहा हूँ, आपको क्लास थर्ड से क्लास एट तक की मैथ की जो भी बुक है वो लेनी है, और आपको डिट्टो एक एक क्वेश्चंस देखते चलना है, और उसके बाद आप पिछले साल का जित पेपर लगाएंगे आप मैथ के सेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। आपको केवल NCERT पर ध्यान देना है, EBS सेक्शन में बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत लोग डर जाते हैं EBS को लेके, केवल आपको NCERT क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ तक पढ़ना है, हिंदी के लिए कुछ नहीं करना है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट है बता दूंगा, और बस आपको करना क्या है, ओनली बस आपको पिछले सालों का पेपर हिंदी के लिए लगाना है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज टू दोनों के लिए, और मैथ के लिए आपको करना क्या है, क्लास थर्ड से क्लास एट तक की मैथ की जो NCERT की मैथ की बुक है उसके क्वेश्चनों को देखना है। अभी फ़िलहाल अभी मार्च चल रहा है, आपके पास बहुत समय, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, तो बहुत ज़्यादा 4 महीने का समय है आपके पास, तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है और आप 120 स्कोर कर सकते हैं। और ये सेल्फ स्टडी, किसी भी कोचिंग संस्था में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने YouTube पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ से आप मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पेपर टू। पेपर टू जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है, ये केवल BEd धारकों के लिए है। अगर आप BTC किए हुए हैं तो आप पेपर फर्स्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप BEd किए हुए हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही पेपर आप दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। देखिए यहां पर जो पेपर टू है इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी है, जो बाल मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े बड़े आते हैं, तो यहाँ पर जो DSSSE की जो बुकें हैं वो CDPA के लिए बेस्ट होगी। जो भी दिल्ली वाली जो बुक है DSSSE की, आप किसी भी राइटर की कोई भी बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं, दोनों ही पेपरों के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो CDP फर्स्ट है पेपर फर्स्ट के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए
डी ट्रिपल एस सी की कोई एक बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए, और फिर पिछले सालों का जितना भी पेपर है वो पढ़िए, वो बेस्ट रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको बहुतों को डाउट है कि सोशल साइंस देना है हमें या पीसीएम देना है, विज्ञान और गणित देना है। तो जो विद्यार्थी कला वर्ग से है, कला मतलब कि आर्ट वर्ग का है, सोशल साइंस से है, जिन्होंने बीए किया है वो ये वाला पेपर देंगे सोशल साइंस का। ध्यान दीजिए, यहाँ पे गलती हुई है, ये 60 नंबर का होता है, ठीक है, 60 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। देखिए, या तो सोशल साइंस के 60 प्रश्न आएंगे, अगर आप बीएससी किए हैं तो आपके पास मैथ फिज़िक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए, पेपर टू में ये वाला नहीं होता है। चार सब्जेक्ट होते हैं, CTP, सोशल साइंस, या PCM करें, या लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज में से कोई, दोनों में से कोई, दोनों ही लैंग्वेज आपको करने होते हैं। अब आपको की रणनीति इन सभी के लिए, आपको CTP के लिए वही रणनीति अपनानी है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज टू के लिए भी वही रणनीति अपनानी है, लेकिन जो हमारा सोशल साइंस का भाग है, ठीक है, विज्ञान या गणित वाला जो भाग है, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों के लिए भी आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक की NCERT, ठीक है, अगर आप PCM से हैं, आप BSc वाले हैं, तो क्लास 8 से ले 5 से लेकर 8 तक की जो मैथ की और साइंस की बुक है वो पढ़ेंगे, और अगर आप सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर उनकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बुक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और आप इस तरह से सीधे सीधे सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है CTET 2020, इसमें कुछ ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, और आप बिना कोचिंग किए, बिना किसी कोचिंग संस्थान में गए, इन पेपरों को क्लियर कर लेंगे। जहाँ पर मैथ का अलग से पेपर नहीं होता है, अगर आप सोशल साइंस से हैं तो आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे, अगर आप PCM से हैं तो आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय है हमारे पास, हम मिलके तैयारी करेंगे, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सिलेबस भी आपके पास अगर नहीं हो तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आज से हम अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।